हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, वीडियो में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये एक छोटा सा मतलब पॉइंट है लेकिन मिस कर जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा एग्जांपल कि लाइक वो लोग जब एडमिशन प्रोसेस में चले जाते तब जाके उन्हें पता चलता है कि वो उस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं थे। तो गाइस, इसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, तो इसीलिए मैंने एक डेडिकेटेडली वीडियो बनाने का सोचा है कि इसमें मैं बताऊंगा कि कौन से कोर्स के लिए कौन सा बंदा एलिजिबल है या फिर कौन सा बंदा एलिजिबल नहीं है। तो गाइस, पूरा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप इस चैनल पे तो नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को भी चेकआउट कर दीजिएगा। मैं सीडैक के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस डाल चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो मैं इसी तरह के सीडैक के रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो गाइस, चलिए आगे आगे बढ़ते, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए ये देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पर्टिकुलर हर कोर्स के लिए। गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो गाइस, अगर आप इस कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो तो आप सीडैक का कोई भी कोर्स कर सकते हो। सिर्फ जो मिनिमम परसेंटेज है हर कोर्स का, मैं आपको वो आगे स्लाइड्स में बता दूंगा हर कोर्स के लिए मिनिमम परसेंटेज कितने चाहिए होते हैं। लेकिन आप अगर इस फील्ड में बिलोंग करते हो, ये कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो आप सीडैक का कोई भी कोर्स ऑप्ट कर सकते हो। ओके गाइस, तो देख लेते हैं ये कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपका ग्रेजुएशन इन इंजीनियरिंग हुआ है, 10th 12th प्लस इंजीनियरिंग या फिर 10th डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग, और उसके बाद कौन से फील्ड में, आईटी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, अगर आप इस ब्रांचेस से बिलोंग करते हो तो आप सीडैक का कोई भी कोर्स कर सकते हो। ओके, और एमएससी और एमएस किया है आपने इन कंप्यूटर साइंस, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मैथमेटिक्स इन 12th, अगर मैथमेटिक्स में 12th किया उसके बाद आपने कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में एमएससी और एमएस किया है, तो भी आप एलिजिबल हो हर कोर्स के लिए। तो गाइज, आगे आगे मैं जब भी कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगा तो आप ये कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप याद रखिएगा। ओके गाइज, सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन ए के बारे में। गाइज, अगर आपको पता है तो एग्जाम 3 सेक्शन में डिवाइड होती है, सेक्शन ए, सेक्शन ए प्लस बी और सेक्शन ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स करना है, लाइक अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स करना चाहते हो, तो आपके लिए बस सेक्शन ए की एग्जाम देनी होती है। आप लोग को अगर पता हो तो सेक्शन, जैसे मैंने बताया, 3 इसमें डिवाइड होती है। तो हर हर सेक्शन, अगर सेक्शन ए का एग्जाम दोगे तो ए कोर्स करवाओगे, और सेक्शन ए प्लस बी का दोगे तो अलग अलग कोर्सेज से आगे आपको पता चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं पीजी डीजीआई मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको ऊपर बताया तो वही रेफर कीजिएगा। और बाद में अगर आपने 4 ईयर ऑफ डिग्री इन जियो साइंस, पेट्रोलियम, माइनिंग, सिविल, प्लानिंग, आर्किटेक्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और रिलेटेड फील्ड्स में अगर किया है इंजीनियरिंग 4 ईयर डिग्री, तो आप एलिजिबल हो। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन ज्योग्राफी, जियोलॉजी, नेचुरल एंड अप्लाइड साइंस, मैथमेटिक्स और अलाइड एरियाज, तो इसी के रिलेटेड कोई एरियाज है इसमें अगर तुमने किया तो भी आप एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए। और इसके लिए मिनिमम 50% क्राइटेरिया चाहिए होता है। ओके गाइस, सेक्शन ए प्लस बी का देखते हैं। तो ए प्लस बी में सबसे पहला कोर्स आता है पीजी डेक। तो इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देख लेते हैं। पीजी डैक का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग। तो अभी जैसे मैंने बताया कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो ऊपर मैंने बताया वो रेफर कीजिएगा। उसके बाद ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग सेम है, मतलब अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग पास आउट हो तो आप कर सकते हो। एमसीए वाला, एमसीएम वाला कर सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो भी कर सकते हो। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मैनेजमेंट मतलब एमबीए किया है, और इंजीनियरिंग मतलब ग्रेजुएशन में आपका आईटी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन था, तो आप एलिजिबल हो। इसके मिनिमम परसेंटेज चाहिए होते हैं 50%। तो गाइस, सबको ज़्यादा कन्फ्यूजन ये भी होता है कि मिनिमम 50% का मतलब क्या होता है, कि एग्रीगेट या फिर डिग्री के। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिर्फ फाइनल ईयर के मार्क्स डिग्री पे आते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ओवरऑल मार्क्स आते हैं। तो गाइस, पर्टिकुलरली जो डिग्री पे मेंशन रहता है वो परसेंटेज आप लोग कंसिडर करिएगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं, सेकेंड कोर्स देखते हैं, वो है पी जी डी बी डी ए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बिग डेटा एनालिटिक्स। ये एक मतलब टॉप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है और अभी फिलहाल ये कोर्स के लिए ज़्यादा डिमांड भी है गाइस। तो कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने बताया, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग। तो गाइस, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ पी जी डी बी डी ए, उन लोगों ने लास्ट जो बैच स्टार्ट हुई थी अभी सेप्टेम्बर की, आप ये वीडियो मैंने अभी नवंबर में डाल रहा हूँ, तो सितंबर में जो बैच स्टार्ट हुई थी उसी बैच के लिए उन लोगों ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया ये कोर्स। मतलब कोर्स तो पहले से स्टार्ट था लेकिन डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन इंजीनियरिंग में आपने किया है, मतलब आप सिविल, मैकेनिकल से बिलोंग करते हो, तो पहले अलाउ नहीं था, तो इन लोगों ने ये नया इंक्लूड किया है लास्ट बैच से।
अलाउ कर दिया है, तो पता नहीं नेक्स्ट बैच में अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, जो सा नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो आगे बढ़ते हैं, एम सी ए, एम सी एम वाला भी एलिजिबल है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक एलिजिबल हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मैनेजमेंट जो जैसे बताया वही है सेम। ओके गाइस, तो इसके मिनिमम परसेंटेज चाहिए होते हैं 55%। तो आगे बढ़ते पी जी डी एम सी देखते हैं। पी जी डी एम सी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मोबाइल कंप्यूटिंग होता है, तो कॉमन एलिजिबल क्राइटेरिया जो मैंने बताया, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स में आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है तो आप एलिजिबल हो, और अगर आपका एम सी ए हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो, और इसको परसेंटेज चाहिए होते हैं मिनिमम 50%। ओके गाइस, आगे बढ़ते पी जी डी आई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें भी कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, ये भी जैसे मैंने डी बी डी आई का आपको बताया था कि इन लोगों ने लास्ट बैच से अलाउ किया है कि कोई भी इंजीनियरिंग का बंदा डी आई कर सकता है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था, पहले सिर्फ जो मैकेनिकल सिविल के बंदे वो सिर्फ पी जी डैक कोर्स कर सकते थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने डी बी डी ए और डी आई के लिए भी अलाउ किया है बच्चों को, लेकिन नेक्स्ट बैच के लिए अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे नोटिफिकेशन आने पर पता चलेगा। एम सी ए और एम सी एम किया है तो एलिजिबल हो, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स किया है तो भी आप एलिजिबल हो। तो गाइज नेक्स्ट कोर्स आता है पी जी डी आई टी आई एस एस पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एंड सिक्योरिटी। तो गाइज इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, इसका भी कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ऊपर से होता है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, और अगर एम सी ए किया है तो भी आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हो, और इसके लिए भी मिनिमम 55% आपको चाहिए होते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं गाइस पी जी आई ओ टी पी जी डी बी आई ओ टी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कॉमन एलिजिबिलिटी आ रहा है एम सी ए वाले एलिजिबल हो। ओके गाइस, और मिनिमम 50% चाहिए होते हैं अगर ये कोर्स करना है। और पी जी डी ए एस एस डी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एडवांस सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसके लिए भी कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एम सी ए वाले बंदे एलिजिबल है, बाकी कोई एलिजिबल नहीं है, मिनिमम 55% इसके लिए भी चाहिए होते। आगे बढ़ते गाइस, आगे देखते हैं सेक्शन ए प्लस बी प्लस सी का एग्जाम देने के बाद आप कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल रहते हो। तो पी जी डी ई एस डी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एम्बेडेड सिस्टम एंड डिजाइन एंड पी जी वी एल एस आई पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन वी एल एस आई डिजाइन। तो इसका कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि जो कॉमन मतलब सिर्फ कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले बंदे ही ये कोर्स कर सकते हो, मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया मैं फिर से बता देता हूँ कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका अगर इंजीनियरिंग हुआ है आईटी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में तो आप एलिजिबल हो। एमएससी और एमएस किया है इन कंप्यूटर साइंस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विद मैथमेटिक्स इन ट्वेल्थ में तो आप एलिजिबल हो, इसलिए मिनिमम 55% चाहिए दोनों कोर्स के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते आगे देखते पीजी ट्राट, ये नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है उन लोगों ने लास्ट टू लास्ट बैच में शायद, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन रोबोटिक्स एंड अलाइन टेक्नोलॉजीज। ओके, तो इसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ग्रेजुएट इन मैकेट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर ग्रेजुएट हो तो आप ये कोर्स कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी वाला भी बंदा कर सकता है, तो मिनिमम इसके लिए भी 55% आपको चाहिए होते। हमेशा ध्यान रखिएगा आप जब भी कोर्स कोई चूज कर रहे हो तो आपका आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम होता है वो लास्ट स्टेज में चले जाते हैं तब जाके उन्हें पता चलता है कि वो इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। तो गाइस चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर हम लोगों का वो सेडैक डिस्कशन का टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पर, अराउंड 13,000 बच्चे ज्वाइन हो चुके, तो आपके कुछ भी डाउट्स है तो वहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगे, तो वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स आते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पूछ सकते हो, या फिर आईटी वर्ल्ड का एक पेज है इंस्टाग्राम का, वहाँ भी मुझे डीएम कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।